एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल, होप यू आर डूइंग ग्रेट। चलिए आज की कहानी, आज का व्लॉग, आज की स्टोरी को कुछ नए अंदाज में स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है, तो आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है, अलग इन द सेंस। नाउ इस व्लॉग में मैं शेयर करूँगा कि मैं अपने फ़ोटोज़ को एडिट कैसे करता हूँ, खासकर कोई अगर लैंडस्केप फोटोग्राफी है तो दिखाते हैं। फिलहाल ये एक रॉ फ़ोटो है जो मैंने कुछ दिन पहले क्लिक किया था रेलवे स्टेशन के पास, तो अभी नज़र पड़ गया तो सोचे इसको एडिट करने बैठ के, तो क्यों ना आपके साथ एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर दें। देखते हैं इस फ़ोटो को और कितना खूबसूरत बना सकते हैं। ये रॉ फ़ोटो है, मतलब जैसा मैंने खींचा है, इसमें कोई पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं हुआ। आप स्टार्ट करते हैं और हल्का हल्का आपको दिखाते जाते हैं। ओके, आप इंजॉय कीजिए इसका फास्ट मोशन। सबसे पहला देखिए, लाइटरूम मोबाइल ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ। यस, लाइटरूम मोबाइल, कुछ नहीं करना। सबसे पहला यहाँ पे एक ये वाला बटन दिखेगा आपको, ये परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट डन। ऐसा था, अब कुछ थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग और लाइटिंग एडजस्ट करने के बाद ये ऐसा था। बिफोर आफ्टर, बिफोर देखते हैं फोटो पहले कैसा था। दिस वॉज बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो होप अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखना है तो कमेंट करो, लाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट करो, कमेंट करके बताओ आप लोग को अगर देखना है ऐसे और भी वीडियोस कि मैं अपने फ़ोटोज़ को कैसे कलर ग्रेड करता हूँ, एडिट कैसे करता हूँ। सो होप यू एंजॉय दिस शॉर्ट एंड शॉर्ट तो नहीं होप यू एंजॉय दिस डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉग। इफ़ यू डू सो हिट द लाइक, और ऐसे और भी ब्लॉग्स अगर चाहिए फोटो एडिटिंग से रिलेटेड तो कमेंट करो। मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वन।